चुनावी मौसम है, ऐसे में सियासी नेता लगातार जनता के बीच पहुंचकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं, एक दूसरे पर तीखे शब्द वार कर रहे हैं। लेकिन कई बार जब ये सियासी नेता एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी कर रहे होते हैं और अचानक से आमना सामना हो जाता है तो तस्वीरें कुछ और ही नजर आती हैं। दरअसल बीते कल वीरवार शाम को अंबाला में स्थिति कुछ ऐसी बनी कि हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार बंतो कटारिया के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे कि अचानक कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार वरुण चौधरी का काफिला भी चुनाव प्रचार करता हुआ वहां से निकला तो दोनों नेताओं का आमना सामना हुआ। इस पर कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना काफिला रोका और गाड़ी से उतरकर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की और उनके पांव भी छुए। वहीं अनिल विज ने भी दरियादिली दिखाते हुए उन्हें भाजपा कार्यालय के बाहर जहां वो बैठे थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे वहां बैठाया और जलपान करवाया। साथ ही सभी ने मिलकर हंसी मजाक वाले माहौल में बातचीत भी की। बहरहाल यहां पर बता दें कि सियासी नेता भले ही एक दूसरे पर शब्दी बाणों से बड़े बड़े वार करते रहें, लेकिन अक्सर जब वो मिलते हैं तो माहौल कुछ ऐसा ही होता है जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा कहा जा सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।